हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम मॉस लगाने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, एक प्लास्टिक का ट्रे लिए हैं और उसमें चारों साइड हमने होल कर लिया है। होल करने के बाद दोस्तों, ईंट का टुकड़ा है, छोटे छोटे हमने ब्रिक्स कर लिए हैं और सारे तरफ फैला लिए हैं इसमें। उसके बाद रेत डाल रहे हैं दोस्तों, नदी का रेत है ये, बारीक रेत। उसको पूरी तरीके से मिला दे रहे हैं दोनों ईंट और रेत को। उसके बाद दोस्तों, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और ये कोकोपीट है, दोनों को बारीक करके मिला लिए हैं दोस्तों। और ये हमने सॉइल बनाया है मॉस के लिए सभी तरफ, थोड़ा सा उभार दे दिया है दोस्तों इसमें, और पर्याप्त मात्रा में हम इसमें पानी डाल दे रहे हैं इस स्प्रे से। अब दोस्तों हम मॉस खोज रहे हैं दोस्तों। गर्मी का दिनों है, मार्च के महीना में हम इसका मॉस ढूंढ रहे हैं दोस्तों। पानी वाले जगह पे कुछ मॉस था, जहाँ पे पानी का काम हमेशा होते रहता है, पानी भरते हैं वहाँ पास, तो मॉस हम इकट्ठा कर रहे हैं दोस्तों। देखिएगा, इतना सारा ज़्यादा तो नहीं मिल पाया, इतना सा मॉस हमें मिला है। अब उसको हम लगाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार आप कुछ कुछ गेप करके मॉस को लगाइएगा, जैसे हमने लगाया है, तो ये ऑटोमेटिक फैल जाएगा दोस्तों, आप देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों फिर से मिट्टी बना रहे हैं, मिट्टी को हम पीस रहे हैं, सूखा मिट्टी को अच्छे तरीके से बारीक पीस रहे हैं। उसके बाद एक कोकोपीट है दोस्तों, दोनों को मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे बारीक करके, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे दोस्तों, छिड़केंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें पर्याप्त मात्रा में हम मिस्टिंग कर देंगे, पानी को फुहारे की मदद से हम डालेंगे। उसके बाद एक हमने प्लास्टिक और ट्रे लेंगे दोस्तों, जिसमें हम पानी भर देंगे और इस वाले छोटे वाले ट्रे को उसमें डुबा कर रख देंगे, जिससे ये पानी नीचे से खींचते रहेगा और हमें 10 बार पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और हम इसको दोस्तों पर्याप्त मात्रा में धूप और हल्की छांव इसको मिल सके, ऐसे जगह में हम इसको रखेंगे। दोस्तों एक महीना बाद हमारा ये मॉस ऐसा रूप ले लिया है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। ये लगभग एक महीना हुआ है और ये मस्त सा ग्रोथ कर लिया है दोस्तों, ये देखिएगा। तो आप भी ऐसा मॉस अपने घरों में लगा सकते हैं दोस्तों, भरे गर्मी के दिन में। और हमने इस मॉस को दोस्तों, ये बड़ा सा ये पॉट है, इसमें पानी भर के रखा हुआ है और इसके अंदर होल है, इसके अंदर होल है, इसको हम डुबा के रख लिए हैं, तो नीचे से ये पानी आसानी से ये खींच लेता है दोस्तों और इसको नमी मिलते रहता है, आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ता, बीच बीच में आप मिस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।